हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नंबर 34 को एक नए तरीके से बहुत ही सिंपल अंदाज में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि द टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन ऑन द रिवर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्री। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी फास्ट और सिंपल अंदाज में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोलता है कि एक रिवर है, इस रिवर के दोनों पॉइंट हैं, दोनों तरफ इक्वल हाइट के दो पाम ट्रीज हैं। ये दो पाम ट्रीज इस रिवर्स के दोनों साइड में हैं। मान लीजिए इनका नाम ए बी है और सी डी है, और इस रिवर के बीच में एक पॉइंट ओ है जिससे इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक तरफ से पॉइंट बी से मतलब एक पाम ट्री से ओ तक का डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, तो ओ और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस 6। बस बच्चों, यही वो डायग्राम है जिसके ऊपर एक पूरा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ में टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान ओ बी। अब 1060 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, तो अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बी अपान एक्स आर ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स। ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड, इन ट्राइंगल सी डी ओ 1030 डिग्री इक्वल टू सी डी, परपेंडिकुलर सी डी है और डिवाइडेड बाई ओ डी। तो सी डी जो कि ए बी के इक्वल है, सी डी इक्वल ए बी है क्योंकि ये गिवन है, दोनों पाम ट्रीज इक्वल हैं, तो गिवन ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी डिवाइडेड बाई 80 माइनस 6, ओ डी क्या है, 80 माइनस 6 है, और हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं कि ए बी की वैल्यू रूट 3 एक्स है और डिवाइडेड बाई 80 माइनस 6। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू √3x डिवाइड बाई 80 माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो आर 80 माइनस 6 इक्वल टू √3x इंटू √3। तो 80 माइनस 6 इक्वल टू 3x, इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 80, तो एक्स इक्वल टू 80/4 जो हो गया 20। तो बच्चों, एक आंसर हम लोग को मिल गया। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है कि पॉइंट ओ का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है हम लोगों को ट्रीज से। तो पॉइंट ओ का डिस्टेंस ट्रीज से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, एक तरफ से 20 मीटर और दूसरे तरफ से 60 मीटर। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोलता है कि हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री है एक्स, तो इसमें एक्स का जो वैल्यू है बच्चों वो ए बी है, तो ए बी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स, तो अंडर रूट 3 × 20, तो ये हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। तो हम लोगों को दोनों का दोनों आंसर बच्चों बहुत आसानी से और इजी वे में मिल गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसको नए तरीके से समझने में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।